A day after the Uttarakhand police filed FIR over hate rants at Dharam Sansad in Haridwar, now there's controversy over MIM chief Asaduddin Owaisi's 12-day-old provocation. In a clip posted by several BJP leaders, Owaisi can be heard making objectionable comments against Prime Minister Modi and UP Chief Minister Yogi and warning the police of consequences. Listen in to the speech first. मैं तो उन पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे जुल्म को याद रखेंगे। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुम्हारा तुमको निस्तो नाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला, और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे, जब कौन आएगा। Under fire for what the BJP calls its criminal and communal mindset, Owaisi has clarified that he did no wrong and was only referring to cops persecuting Muslims, as they think they have immunity under Modi and Yogi's watch. He further alleges that a clipped version of his 45-minute speech is being quoted out of context to deflecting attention from genocide calls in Haridwar. Asad sahab ne jo apni speech mein jo bhi baatein kahi hain wo ekdam haq aur sach hain. असद साहब ने क्या कहा? असद साहब ने यह कहा कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इसकी सजा देगा, और जिस तरह तुमने उन माँ बाप को तड़पाया है, उनके बच्चों को कत्ल किया है, अल्लाह भी तुम्हें इसी तरह तड़पाएगा। इस तरह के कम्युनल माइंडसेट और क्रिमिनल माइंडसेट के साथ इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान अनएक्सेप्टेबल है। ये जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का बयान हो ही नहीं सकता। ये शुद्ध रूप से अराजकता, उद्दंडता और गुंडागर्दी से भरपूर मानसिकता का इसका बयान है। इसलिए इस तरह के बयानों को बिल्कुल रिजेक्ट करने की ज़रूरत है, और इस तरह की जो क्रिमिनल और कम्युनल मेंटेलिटी है वो शुद्ध रूप से जो है वो न किसी समाज के हित में है और न देश के हित में है। Let's take this across to our guests who are joining us at the moment. With us is Dr. Kaushal Kant Mishra, spokesperson of the BJP. Also with us is Madhav Sharma, political analyst. Kaushal Kant Mishra, Asaduddin Owaisi ka kehna hai, he is coming out to say that when it comes to these statements, he says that this is only in context of the atrocities on Muslims by police that he was speaking, and that his statement has been taken out of context. Kya kahenge aap is jawab ke Asaduddin Owaisi ke? देखिए, सबने पूरी स्पीच को सुना, और जो सबको समझ में आ रहा है वो हमें आपको भी समझ में आना चाहिए। वो सीधे सीधे ये थ्रेट कर रहे हैं कि जब योगी जी नहीं की सरकार नहीं होगी और मोदी जी की सरकार नहीं होगी, तो ये अपने जुल्म सितम जो ये सोच के बैठे हुए हैं, जो एक कम्युनल मानसिकता होती है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बात हमारे आपके साथ साथ देश की जनता और प्रदेश की जनता को ध्यान में रखनी है और याद रखनी है, और ये याद रख के ही चुनाव में जाना है। जितनी पार्टी की जरूरत है उतनी देश को भी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, जिससे कि हिंदुस्तान बचा रह सके और हिंदुस्तानियत बची रहे, संस्कृति बची रहे, हिंदुत्व बचा रहे। सब कुछ बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए प्रदेश की जनता और देश की जनता को असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान, और इसके पहले के भी बहुत सारे बयान है जिनकी पूरी लिस्ट है, फहरिस्त है। इनकी पॉलिटिकल पार्टी से जब भी स्पोक्स पर्सन आते हैं वो ये कहते हैं कि जी पहले कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए, फिर कहते हैं जी 15 करोड़ 100 करोड़ पे भारी। आज ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए और मोदी जी का नाम लेते हुए ये कह रहे हैं कि जब ये चले जाएंगे तो क्या होगा। तो इससे इनका माइंडसेट, मेंटेलिटी, कम्युनल फीलिंग पता चलती है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेकर के इनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए। दानिश कुरैशी, जवाब दीजिए। इनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं मानसिकता झलकती है। पूर्व में भी इस तरह के काफी कॉन्ट्रोवर्शियल बयान दिए हुए असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी के नेताओं ने।
देखिए माधव जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि दरअसल होना ये चाहिए था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। बीजेपी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं मैं उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ। तो बजाय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के, बजाय माइनॉरिटी जो है अपने आप को सिक्योर फील करे, उसके जिस तरीके से उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, अगर उनके लिए कोई बात करता है तो आपको ये लगता है कि भाई इस तरीके की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, तो क्या कहने का मतलब ये है कि आपको लगता नहीं कि धमकी दी जा रही है इन अफसरों को कि कौन बचाने आएगा आपको? आप ने बोलिएगा सर, क्या दानी जी आपसे पता नहीं हुआ? दानी जी सिंपल सवाल, आप कोई भी किसी कहीं जब पॉलिटिकल शैडो रहता है तब जाके कहीं सरकारी महकमे में जो लोग है जो इंटेंशन लेटर। दानिश जी आपको ये धमकी नहीं लग रही है? आपको धमकी नहीं लग रही है? अगर हरिद्वार में जो बोला गया गलत है, वन सेकेंड दानिश जी, एक सेकेंड सवाल तो सुन लीजिए सर। दानिश जी सवाल तो सुन लीजिए, अगर आपको लगता है कि जो हरिद्वार में बोला गया आपत्तिजनक है तो इसे आप आपत्तिजनक नहीं मानते? ओपनली अफसरों को थ्रेटन करना कि हम आपके पीछे, आप कौन बचाने आएगा आपको? कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा सर, मैं तो कह रहा हूँ सब पे एक्शन लिया जाए, लेकिन मिस्टर ओवैसी एक सांसद हैं, चुनकर आए हैं, क्या उनके स्टेटमेंट को भी जस्टिफाई कर सकते हैं आप? देखिए क्या कह रहे हैं वो, मुझे लगता है कि उत्तराखंड जैसी पवित्र धरती उस मार्ग के जो है उस धरती को अगर कलंकित करने का किसी ने काम किया है तो धर्म संसद के ऊपर ही लागू करता है। दानिश जी कोई उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, हम तो कह रहे हैं कि उन पर कार्रवाई हो, लेकिन एक सांसद होते हुए, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर होते हुए कैसे वो इस तरह के बयान दे सकते हैं, कैसे वो थ्रेटन कर सकते हैं ओपनली अफसरों को? ये भी तो आपत्तिजनक है सर। जस्टिस की बात कर रहे हैं कि आप कृपया वजह माइनॉरिटी को जो परेशान कर रहे हैं, आप अगर किसी राजनीति को कायम है तब तक आप बन जाएंगे, जब आपके ऊपर ये राजनीति हो नहीं रहेगा तब आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तो उसका प्रॉब्लम क्या है? All right, Mr. Mishra, please respond to that. कुछ आपत्तिजनक नहीं बोला असदुद्दीन ओवैसी ने, वो केवल जो वहां की कानून व्यवस्था है जो गलत काम कर रही है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। प्लीज जवाब दीजिए आप इन्हें। सर एक तो जो इन्होंने बोला मुझे कुछ समझ नहीं है, बहुत ही खराब आवाज आ रही है, पर अगर ये उसको जस्टिफाई कर रहे हैं तो मैं उसके बारे में, आप पब्लिक देख रही है, जनता देख रही है, वो डिसाइड करेगी कि, और ये अगर इस बयान को भूल भी जाएं तो मैं पूछना चाहूंगा इसके पहले के जो बयान है, जो ये इनके पार्टी के लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए, 15 करोड़ लोग 100 करोड़ पे भारी होंगे, और जो ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार वापस आई तो हम राम मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाएंगे, इस तरह की मेंटेलिटी के लोगों का इस एक स्टेटमेंट नहीं पूरी सारी स्टेटमेंट की, ये इसी तरह के कंट्रोवर्शियल बयान देते आए हैं। और जिस धर्म संसद की बात करें उस धर्म संसद के साथ हम नहीं खड़े हैं, जो इलीगल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उनके अगेंस्ट एफआईआर हुई, तो एक सांसद को इस तरह से बोलने पर उसके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदेश की जनता और देश की जनता को डिसाइड करना होगा कि उसे कैसा शासक चाहिए, क्या अकबरुद्दीन और ससुद्दीन ओवैसी जैसा शासक चाहिए जो हमेशा ये धमकी देता हो कि हम हिंदुस्तानियों को खत्म कर देंगे। पवन राम अम्बेडकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ही इज द यूपी जनरल सेक्रेटरी ऑफ एमआईएम एंड स्पोक्सपर्सन। पवन राम अम्बेडकर जी कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी इस तरह के रिमार्क्स, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत आपत्तिजनक है, दे आर हर्टफुल टू एनीबॉडी हु इज अ ऑनेस्ट ऑफिसर डूइंग देयर जॉब। मिस्टर ओवैसी वर्चुअली सेज दैट डोंट थिंक दैट व्हेन वंस द रिजीम चेंजेस समबडी विल बी देयर टू प्रोटेक्ट यू, इज इन दिस कंप्लीटली ऑब्जेक्शनेबल सर, दिस काइंड ऑफ एन ओपन रिमार्क कमिंग फ्रॉम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? आई एम नॉट सेइंग दैट अदर रिमार्क्स आर इन एनी वे जस्टिफाइड, बट दे आर फ्रिंज एलिमेंट्स, हियर इज अ मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर मेकिंग दीज कमेंट्स। आप ओवैसी साहब के पूरे स्टेटमेंट को आप एनालाइज करें, उस एक मिनट को जिस तरह से संबित पात्रा जी ने जो है प्रस्तुत करके पूरे देश भर में जो है शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का प्रयास किया है वो सबसे निंदनीय है। पहली बात तो ये, ओवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो इस देश की जो पुलिसिंग व्यवस्था है, जो पुलिसिंग जो सिस्टम है, उस पुलिसिंग सिस्टम पर हम क्वेश्चन मार्क करते हैं कि जिस तरह से पिछले 7 सालों में जिस तरह से पुलिसिंग ने शासन की मंशा को पूरा करते हुए इस देश में जो आम जनमानस है उस पर किस तरह से जो है एट्रोसिटीज की हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 3 सालों से इस देश में जो बेरोजगारी के नाम पर छात्रों पर, महिलाओं पर और जिस तरह से अन्य दल के लोग जो है अपनी बात रखना चाहते हैं। सिंपल सवाल आपसे ये है, आप सवाल किसी पर भी उठाइए, कानून व्यवस्था पे सवाल उठाइए, लेकिन इस तरह धमकी देना सही है?
आप मानते हैं किसी भी राज्य में इस तरह का धमकी दिया जा सकता है? ये धमकी नहीं है, बिल्कुल अफसरों को कहा गया है जब इनका शासनकाल खत्म होगा तो हम आपको देखेंगे, क्या मतलब है इसका? ये धमकी नहीं है, ये धमकी नहीं है। तो फिर क्या है सर, समझाइए जरा क्या है ये? फिर ये हमारा जो है दर्द है, हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान के नाम पर, आप देखिए उन्होंने जो, आप पूरी वीडियो को रिवाइंड करिए और एक मिनट दो मिनट पहले के बस सुनिए, उसमें वो स्टेटमेंट किया जा रहा है कि कानपुर देहात क्षेत्र में किस तरह से एक मुसलमान व्यक्ति को जो है पुलिस ने जो है दाढ़ी से खींच करके मारा। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें आपके सामने जो है शुक्ला नाम का एक व्यक्ति है, अपने हाथ में एक 3 साल की बच्ची को लिए हुआ है, वो भी कानपुर की ही घटना है, और पुलिस लगातार माधव शर्मा प्लीज कम ऑन दिस, माधव शर्मा पुलिस लगातार अत्याचार कर रही है और ये कॉन्टेक्स्ट के बाहर रिमार्क्स लिए गए हैं, गलत मतलब निकाला जा रहा है बीजेपी के द्वारा, ये कहना है पवन राव अम्बेडकर का, प्लीज रिस्पॉन्ड टू हिम। वन सेकंड मिस्टर कुरैशी, योर टर्न विल कम, लेट अदर्स आल्सो स्पीक। गुड इवनिंग माधव। Firstly, there's a couple of points that I need to put out here. Firstly, it is absolutely shocking that a sitting member of parliament has made such a statement. It is hate mongering and fear mongering of the highest order. And I believe this should be condemned, because if they're talking about Dharam Sankat, there are some Safran clan people sitting there, which is absolutely wrong. Why, this person, this person is not condemning regarding the statements given by the some persons in the name of Dharma Sansad, in the name of Dharma Sansad in Haridwar. Why are you not questioning on that issue? I am saying that anybody who's made those statements controversial, which are communal in nature, must be acted upon in the same light. We are questioning, can Mr. Oasis be allowed to make these kind of statements? It's a simple question, sir. I think all sides are being asked the question, and all those who are violated the law of this land must be behind bars. I will go as far as to say that. But the question is that, should cases not be filed against the persons in Haridwar? At the same time, is it responsible for a member of parliament, a mainstream political leader, to be raising these serious questions? Those are the questions that we are asking over here. Completely out of time, Dr. Kaushal Kant, Mishra, Madhav Sharma, Danish Qureshi, and Pavan Ram Ambedkar. I'd like to thank all of you for joining us this evening.